आप ये वीडियो यूएई से देख रहे होंगे, मुंबई से देख रहे होंगे, दिल्ली से देख रहे होंगे, आप जहां से भी देख रहे होंगे, सबसे पहले दर्शकों आपको छठ की हार्दिक बधाई। छठ पूजा पर आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में हमने छठ पूजा को लेकर स्कैम की भी बात की है और छठ पूजा पर जो कुछ हो रहा है उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। छठ पूजा एक अद्भुत लोक पर्व है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ये त्यौहार 4 दिनों का होता है। इसमें व्रतधारी पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। ये पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव को धन्यवाद देना है जो हमारे जीवन के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करते हैं। छठ पूजा में महिलाएं और पुरुष दोनों ही उपवास रखते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और बिना अन्न जल के अपनी आस्था को मजबूत बनाते हैं। छठ और बिहार में सरस्वती पूजा दो चीज़ों का काफ़ी क्रेज़ होता है। इसके पीछे की वजह ये कही जाती है कि बिहार, भारत में अगर दिवाली मनाई जाती है तो बिहार के लोग छठ पूजा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा दर्शकों कि छठ पूजा की इतिहास क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और क्या कुछ है, सब कुछ बताते हैं। दर्शकों कहानियाँ तो बहुत हैं, कहानियाँ तो कर्ण से भी जुड़ी हुई हैं कि वे सूर्य पुत्र थे, वे महादानी भी थे और सुवर्ण के सूर्य की आराधना करते थे, लेकिन जो कुछ ऑथेंटिक स्टोरी है वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत में ही मिलता है। मान्यता है कि द्रौपदी और पांडवों ने अपने वनवास के दौरान छठ पूजा की थी। इसके अलावा एक और प्रचलित कथा है भगवान राम और माता सीता की, जिन्होंने अयोध्या लौटने के बाद इस पूजा का अनुष्ठान किया। कुछ लोग मानते हैं कि ये पूजा सूर्य पुत्र कर्ण से भी जुड़ा हुआ है जो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते थे और उनसे अपनी अपार शक्ति पाते थे। छठ पूजा इसी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, ये जीवन के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रकृति के रूप में हमारे गहरे संबंध को दर्शाता है। इस पूजा में व्रतधारी सूर्य को अर्घ देकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दर्शकों मैं बिहार से ही हूँ और मेरे घर में चूँकि छठ पूजा होता है तो मैं इस पूजा को बहुत करीब से देखा हूँ, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इस पूजा में 4 परंपराएं होती हैं। पहला होता है नहाय खाय, खरना, सूर्य अर्घ और प्रातः अर्घ। हर एक का अपना अपना महत्व और हर एक चरण में भक्ति, आस्था और कठिन तपस्या की झलक मिलती है। दोस्तों हमने छठ पूजा का महत्व, छठ पूजा का इतिहास बताया, लेकिन अब दोस्तों छठ पूजा जैसे पवित्र अवसर पर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाकर घोटाला करते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। आप सतर्क रहें, इन घोटालेबाजों से बचें। आपने थंबनेल में देखा होगा कि छठ पूजा को लेकर स्कैम क्या चल रहा है। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख घोटालों के बारे में ताकि आप छठ को शांति और सुरक्षा से मना सकें। है फर्जी चंदा वसूली। आप जैसे ही बिहार के किसी भी सड़क पर, पटना हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, इस भी जिले में, बिहार के जिस भी जिले में आप जिस भी सड़क पर चलिएगा, कोई ना कोई सूप लेकर आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। आपको बताएगा कि हम छठ व्रती हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और जो भी लोग हैं वो नकली आईडी के साथ चंदा मांगना शुरू कर देते हैं और आपके भोलेपन का इस्तेमाल कर फ़ायदा उठाते हैं। ध्यान रखें कि आप केवल उन समितियों को ही दान दें या फिर उस लोग को ही दान दें जिसको आपने करीब से देखा है ताकि वे लोग छठ करें। कई केसेस में ये पाया गया है कि लोग छठ के नाम पर दान लेते हैं और उस दान का प्रयोग वो अपने निजी कोष में करने लगते हैं, यानी जीवन में करने लगते हैं। कहीं तो परिस्थितियां ये भी हुई है कि घर घर पहुँच कर लोग छठ घाट के नाम पर चंदा काटने का प्रयास किया गया है और उसमें पाया ये गया है कि जो लोग थे वो चंदा काट नहीं रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे छठ घाट बनाने में, लेकिन नाम लेकर लोगों ने चंदा काट लिया। दूसरा होता है सामग्री के दामों में हेर फेर। ये क्या होता है? देखिए दर्शकों, छठ पूजा में डाली होता है, सूप होता है, नारियल होता है, टाब होता है, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, ये सारी चीज़ों के दाम में हेरफेर होनी शुरू होती है जब छठ करीब आने लगता है। जैसे अब छठ पूजा करीब आने लगा, इसमें गन्ना, सूप, इसी चीज़ें होती आम बढ़ जाएंगे। सबसे खतरनाक तब होता है जब स्पेशली छठ पूजा में
कद्दू भात होता है। उस दिन कद्दू भात में क्या होता है, कद्दू खाने के लिए कद्दू का रेट तिगुना हो जाता है। जो कद्दू 10 रुपये या 20 रुपये में मिलता है उस दिन 100 से 120 रुपये मिलने लगता है, और जिसका फ़ायदा उठाकर दुकानदार दाम बढ़ाते हैं। कई बार खराब या पुरानी सामग्री भी उचित दाम बेच देते हैं। हमेशा सही दाम पर चीज़ों को खरीदें और कोशिश करें कि किसी भरोसेमंद दुकानदार से ही सामग्री लें, और किसी भी फर्जी दुकानदारों से सावधान रहें, क्योंकि ये ब्रेड व्यापक रूप से इस वक्त देखने को मिलेगा। कई कई केसेस में ये भी पाया गया, जो लोग बिहार से बाहर से आते हैं उन लोगों को फेरी वाले या फिर कुछ लोग घूम घूम कर जो बेचते हैं सामान, वो बाहर के लोगों पर निशाना रखते हैं कि उनको कैसे ये नारियल सूप उनको महंगे दामों पर बेच दें। तीसरा सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, फर्जी ऑनलाइन दान और ठगी। जी हाँ दर्शकों, छठ पूजा के नाम पर कई लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक के मैसेंजर पर, यूं कहिए तो सोशल मीडिया पर दान मांगते नजर आ जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे अकाउंट फर्जी होते हैं। भक्ति भावनाओं में बहकर तुरंत दान दे देते हैं, लेकिन बाद में वो पैसा पूर्णतः ठगों के पास चला जाता है, जिससे बाद में लोगों को अफसोस होता है। हमेशा सत्यापित स्रोत, यानी जहाँ पर आप कंफर्म हैं कि भाई हम जहाँ ये दान दे रहे हैं वो सही संस्था में पहुँच रही है, वहीं पर दान करें। पहले जांच अवश्य कर लें। दर्शकों, दान देने से पहले जांच ज़रूर कर लें, ताकि आपका दिया हुआ पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं, या फिर अगर दान देना ही है तो किसी ट्रस्टेबल संस्थान में जाकर दान दें। और टूरिस्टों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दर्शकों, ये वीडियो में अगर आप बिहार आए हैं और बिहार में छठ पूजा के लिए ब्लॉगिंग करते हैं, या फिर छठ पूजा को देखने आए हैं कि बिहार में छठ पूजा कैसा होता है। कई लोग होते हैं कि पटना का छठ घाट देखने आते हैं, कई लोग कहते हैं कि पटना में बहुत भीड़ होती है तो अच्छे से हम लोग यहाँ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं कि बिहार में हमारा वो दोस्त है उनसे मिल के आते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, वो होटल बुकिंग करते हैं, और अचानक वो ट्रैवल बुकिंग करते हैं या फिर होटल बुकिंग करते हैं, और इसमें भी स्कैम का सामना करना पड़ जाता है। छठ पूजा के दौरान लोग अपने गाँव या घर जाने की योजना बनाते हैं। इस समय कुछ फर्जी ट्रेवल एजेंसियां टिकट और होटल बुकिंग के नाम पर ठगी करती हैं। दर्शकों, ऐसे में हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट और एजेंसियों से ही बुकिंग करें और कभी भी संदिग्ध वेबसाइट से बचें। अब मैं आ रहा हूं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पर। कुछ लोग छठ पूजा के नाम पर लॉटरी या प्रतियोगिता के बहाने ठगी करते हैं। ये कहते हैं कि आप बड़ी राशि जीत सकते हैं, लेकिन ये सब झूठ होता है। ऐसे किसी भी प्रतियोगिता या लॉटरी में भाग लेने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। ऐसे प्रायः आपको छठ घाट पर लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये टिकट ले लीजिए, या फिर इसमें ये पैसे दीजिए और ये लगाइए और इसमें आपको लॉटरी लगेगी और लॉटरी आपको लाखपति बना सकती है। तो अगर आप ऐसी कोई लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो इसकी सत्यता की जांच कर लें, क्या सही है और क्या झूठ है। तो दोस्तों, छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी श्रद्धा को ठगों से दूर रखें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और इस पर्व को शांति और खुशी से मनाएं। दर्शकों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद साफ है कि छठ जैसे महापर्व में कोई भी बिहार से बाहर के आए हुए व्यक्ति को परेशान न करे, कोई वो ठगी के शिकार ना हो। बिहार से जब वो जाएं तो वो छठ की याद लेकर जाएं, छठ की याद उन्हें ये सताए कि यार एक बार फिर बिहार चलते हैं और बिहार का छठ देख कर आते हैं। लेकिन जब मोबाइल और फिल्मों में जब बिहार के बारे में बताया जाता है कि आइए ना बिहार में चला देंगे कट्टा कपार में, तो इन सारी चीज़ों से वे लोग सोचते हैं बिहार बहुत अनसेफ है। लेकिन क्या वाकई बिहार अनसेफ है, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। बहरहाल दर्शकों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको छठ की हार्दिक बधाई। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो शेयर ज़रूर करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पर। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।